में हम अंदर आके बैठ गए हैं और यहाँ से हमें पूरे मैक्लोडगंज का व्यू मिलेगा। पूरे मैक्लोडगंज का हमें व्यू यहाँ से दिखने वाला है। यस, लोगों के घरों की लोग मिल जाएंगे, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करते हुए जाएंगे हम लोग। मतलब कपड़े सुखा रहा होगा, छत पे वो दिखेगा। मैं रुकी थी, अरे ये हमारी खिड़की बंद नहीं करेंगे, ऐसी जाती है और सीटें भी फिर हिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पार्किंग लगा क्या है, जो पार्किंग स्पेस है वही तो कह रहा हूँ, यहीं से ही अपना सीधा ले जाओ। ओए शाबाश, ओए ला ले दी जान। ये देखिए व्यू, बेटे मौज कर दी। व्यू देखिए, व्यू क्या बात है। वो बंदा देखो कहाँ चढ़ रहा है, वो देखो रिपेयरिंग के लिए जा रहे हो, कहाँ चढ़ रहा है। इधर रिपेयरिंग अभी करनी थी। अर्जेंट इश्यूज आए हैं कुछ फाड़ दे यार। कितनी बढ़िया पार्किंग है यार ये, देखो साइड से कितना नीचे दिख रहा है। नीचे देखो फिर देखेगा नीचे। अरे नीचे देखो उधर, इधर से नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे बेटे की जान, नीचे देखो। तुम मेरा दुश्मन। ये धर्मशाला होगा? नहीं, धर्मशाला वहीं, धर्मशाला हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं धर्मशाला। अच्छा, तो ये बीच का वो गांव होगा जो पीछे पड़ा था। मैं अभी धर्मशाला से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, धर्मशाला कहते तुम? हाँ, पैराग्लाइडिंग करना है। इनका नाम है देवाशीष। हाय देवाशीष, गाड़ी में भरा गया, उनको ले जाया गया पॉइंट टॉप पे, वहाँ पे वहाँ से फेंक दिया गया। मेरे से मिल लिया आपसे, तो मिल लिया। इन केस ऑफ इमरजेंसी भाई, इमरजेंसी करने का मौका कहाँ मिलेगा। ऐसा है ना, मेरी वीडियोस में क्या हो रहा है कि जैसे पुराने वाली वीडियोस से बैन और अनबैन रिपीट हुए हैं, तो अगली बार दोबारा ये रिपीट होंगे तो पहले बता दूं कि देवाशीष है, अगली वीडियो में रिपीट होंगे तो देख लेना। सर का काम खराब करना हो किसी को, सर जैसे ही रिकॉर्ड करना चालू करे गाने बजा दो, वो कॉपीराइट लग जाएगा। ओ देखो पीछे, पीछे देखो, पैसे नहीं कमाने दूंगा सर। या तो आगे 50-50 करो। अब ये लगाओ जो डे थ्री का पार्ट वन था, हाँ। वो इतने दिन से चल रहा है, ठीक है, अब जाके उसमें भी लगा दिया। वो ये देख रहा था कि उसने थ्रेशोल्ड लगा रखा, अगर बंदे का इतना पैसा आ रहा है इसका मतलब चलो ले लेते हैं, देखते हैं भाई। व्यू तो शानदार है भाई, काफी ऊपर से सर व्यूज का भी शानदार है। क्या नाम है रिज वाली जो रोप है ना, ऊपर जाते हैं। जाको ऐसा ही है कुछ। अच्छा, जो अभी ये नई स्काई वे रोप वे शुरू हुई है ना, इसकी वैष्णो देवी वाली, भैरव वाली, भैरव घाटी वाली, वो भी बहुत शानदार। वो तो कब की हो गई, वो भी बहुत शानदार है। मैं नहीं गया सर वैष्णो देवी अभी तक, बताओ बना लेंगे प्रोग्राम। फैमिली चली गई, मैं नहीं गया। अरे जब कहोगे तब प्रोग्राम बना लेंगे, राइड राइड कर लेंगे। कटरा तक कितना, कटरा के आगे तो पैदल चलना पड़ता है, 21 किलोमीटर की पैदल चलाई है। एक दिन में हो जाती है, आना जाना हो जाता है एक दिन में। ओ भाई साहब 21 किलोमीटर, लेकिन खड़ी चढ़ाई नहीं है, खड़ी नहीं है। वहाँ पे ताराकोट वाले रास्ते से जाओ, बिल्कुल सीधा सीधा प्लेन रास्ता है, अब कहीं चढ़ाई नहीं है, वो हाथी का मत्थे पे आप नहीं निकल जाते हो। हेलो, गुड आफ्टरनून। ये वो बीच में शायद गांव पड़ा था ना, वो होगा अनुज। कौन सा गांव? जो बीच में गांव पड़ा था। मैं रूपे में बैठी हुई थी, ऊपर आ रहे थे पीछे भी देखो, वो सामने। वो तो है ही है, इकट्ठी करी है। हाँ, मैं वहीं से आया हूँ, मतलब उसके ऑलमोस्ट पास चला गया था। अच्छा, इसे दिखाऊंगा वीडियो, मतलब इसमें सही है। पैराग्लाइडिंग में पहले तो मैं पैराग्लाइडिंग किया, फिर पैराग्लाइडिंग वालों ने ही मुझे बताया कि एक वहाँ टॉप है व्यू, मतलब वो व्यू के लिए ही है, लेकिन अभी वहाँ पे थोड़ा पानी वानी नहीं था, तो लोग वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि आप और बारिश वारिश ना होगी ना, 5-6 वाटरफॉल तब अच्छे और अच्छे व्यू मिलते हैं। फोटो दे, फोटो दिखा दो आपको। ये क्या, इसका फ्रंट पे है कैमरा? पीछे भी है, पीछे भी है। क्या ड्यूअल रिकॉर्ड करता है? अच्छा, और स्क्रीन है पीछे, पीछे स्क्रीन है। नाइस, ड्यूअल स्क्रीन है। हाँ, कैमरा एक ही है, ड्यूअल स्क्रीन लेंस एक ही है, स्क्रीन डबल है। करेक्ट है, रेंट पे है। अच्छा, कितना? 300 रुपए रोज।
और लेकिन मैं सिक्योरिटी लेकिन सिक्योरिटी के लिए 25,000 रुपए का चेक लिया है। मैंने भी वही चेक दिया जिसमें पैसे नहीं। मैंने कहा यार, तो बोला नहीं नहीं सर, हम लगाने से पहले पूछते हैं बोला कस्टमर से कि क्या पता उसे कैश देना। मैंने कहा 25,000 ज्यादा नहीं है। मैंने कहा लिया कहता 25,000 तो मैं ना कैश ना ये जरूर मीनाक्षी की बात होगी। ऑप्शन क्या पूछ रहा है तो कैश है। मैं तो दूं भाई आपके आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अरे गलती से लिख दिया होगा। ये कवर लगा रखा ना आपने इस पे क्या क्या ऊपर? हाँ ऊपर तो स्क्रीन गार्ड है, पीछे कुछ नहीं। चमक रहा है साइड से। हाँ वैसे भाई व्यूज तो मतलब चल बहुत धीरे धीरे रही है। यहाँ से व्यू देखो। अरे ये देखो सामने व्यू देखो व्यू। थोड़ा सा वो भाई साहब 360 हाँ वो घूमता है ना। गजब गजब भाई मुझे लगा कि उल्टी उल्टी ना हो जाए बट हुआ नहीं। बट घूमता बहुत तेज घुमाता है भाई, बहुत तेज घुमाता है, बिल्कुल नहीं छोड़ देता। मेरा फील हुआ जियो मोड। मैंने कहा सब कुछ अरे वो छोड़ो, ये घर देखो कितना प्यारा है, मस्त एकदम होटल लग रहा है मेरे को। घर है नहीं, घर नहीं है, कुछ तो होटल ही है। सबसे ऊपर वो कपड़े लॉन्ड्री वगैरह हो रही है, बीच में रूम्स वगैरह है। सर आप भी बना लो सर, एक ऐसा होमस्टे कम से कम रेंट का तो सॉर्टेड हो जाएगा। अकोमोडेशन यार पहाड़ पे जमीन नहीं बिकती है, उसके लिए पहाड़ी लड़के पहाड़ी लड़की से शादी करनी पड़ती है। कर लो फिर तो एक प्रॉक्सी शादी कर लो सर। पहाड़ लड़की से शादी कर लो, ये सही प्लान है। लेकिन वो उसमें भी एक नियम है, उसमें एक नियम है सर, ये जितने पहाड़ी वाले ना अपनी लड़कियों को डिस्काउंट कर देते हैं। मैम को कोई एतराज नहीं होगा, आप उनको उस होमस्टे में रहने दो, बढ़िया एकदम वो एंजॉय करेंगे। वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, दो चार और देखो मनाली वगैरह में। बिजनेस आइडिया अच्छा, चलो मैं कर सकता हूँ, मेरी भी शादी नहीं होगी। देख लो भाई बिजनेस आइडिया मिल गया, किसी पहाड़न लड़की को ढूंढना पड़ेगा। पर वो फिर तुमसे प्रॉपर्टी खरीदवा के अपने नाम करवा के तुम्हें तलाक दे देंगे। जितने भी पहाड़ी लोग हैं ना, वो अपनी बेटियों को दखल नहीं दखल बेदखल कर देते हैं। मर्चेंट नेवी का सारा पैसा वो लोग शादी नहीं करते, क्योंकि ऐसा बहुतों ने किया पहाड़ी लड़कियों से शादी करके प्रॉपर्टी ले ली। आते हुए क्या करते हैं ना कि वो शादी इसलिए करते हैं कि आप प्रॉपर्टी ले सके। तो वो उसमें ये है कि अगर लड़कियां बाहर का शादी कर लेती है तो लाल लाल चमक रहा है वो स्टेडियम है, वो सबसे पीछे वो जो टूटनी सी है ऊपर। हाँ ऊपर निकली हुई ऐसी बोला जाता है उधर हमारी लैंग्वेज में। ऊपर छत में साइकिल क्यों रखे हैं? डॉग कहाँ खड़ा है देखो, छत पे खड़ा है भाई। ये तुम्हारे लिए छत है, उनके लिए वहां से रास्ता होगा, यहाँ से निकाल के वो देखो उस अपने फ्लोर पे रास्ता है, रास्ता रहता है सीढ़ी रहती है। वो सबसे ऊपर वाले पे रास्ता होता है, सड़क वहीं आ रही है सबसे ऊपर में, जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वो सबसे नीचे है। वहां गया था ना मैं, उसमें रहा था मसूरी में, क्या कहते हैं गोस्ट ऑफ में, तो सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है वो ग्राउंड फ्लोर था। उसके बाद जितने रूम थे सारे नीचे नीचे थे, -1, -2, -3। हाँ पहाड़ों पे ऐसे होता है। साइड में कितना सही है नहीं? हाँ, ये बहुत सही लग रहा है मेरे को। मेरे फोन में तो ऐसा नहीं है, साइड में प्रो मैक्स है ये। अभी वाला फोन है क्या? प्रो प्रो कौन सा? ये सेम साइज है, ये तो प्रो है। मैक्स बड़ा है क्या? स्क्रीन साइज मैक्स तो बड़ा होता है, सेम बराबर ही है। कौन सा मॉडल है इसमें मुझे लगता है कलर जो है ना चाइनीज वर्जन तो नहीं है? नहीं तो 13 प्रो अच्छा 13 ही है ना, ये 13 प्रो है, मैक्स नहीं है। बैटरी भी प्रो मैक्स में साइज बड़ा होता है, बैटरी बढ़ती है और वैसे कैमरा कैपेबिलिटीज भी होती है। ये साले कैमरा तो सब सेम ही होंगे इनमें, बस ये डिसेबल करके रखते हैं कि भाई अगर प्रो है तो उसमें डिसेबल कर दो, मैक्स है तो बड़ा। अभी यहाँ पे जो है ना वो आईफोन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो एंड्रॉइड वाले हैं और तीन जो है वो आईफोन वाले हैं। तो आईफोन में दो कैमरे हैं और इस फोन में तीन कैमरे हैं, तो इसमें क्या फीचर डिफरेंस है? ऐसा दो कैमरे वाला अच्छे फोटो नहीं खींचता? नहीं नहीं मैं इसको बताता हूँ इसका क्या फीचर डिफरेंस है। इसमें जो वो माइक्रो लेंसिंग टाइप होता है ना, हाँ, कोई बॉटल या कुछ है छोटा छोटा दिखा रहता है, जब उसे क्लोज लेके जाओगे इसमें ब्लर आना शुरू हो जाएगा। जिसमें दो है माइक्रो फोटोग्राफी नहीं होती इसमें, एकदम क्लियर आएगा। मेरे में नहीं होती, क्या होगी मेरे में नहीं होती, नहीं होगी माइक्रो नहीं होते इसमें।
अभी आपको दिखा रहे मॉडल, अब ये इसका नहीं पता मुझे, आईफोन का तो यही है, जैसे पिंपल है आपका, प्रो मैक्स में आपका एक पिंपल। ओ भाई व्यू के ऊपर डिस्कशन कर लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आईफोन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, बिल्कुल डिटेल में आई सर, पिंपल जरूरी है सर, छोटे छोटे कीड़े बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आईफोन डिस्कशन हो रहा है। अरे भाई व्यू डिस्कशन कर लो, देखो सड़कें डिस्कस कर लो, देखो कैसे घुमावदार सड़कें यहाँ से दिखाई दे रही हैं, कितनी बड़ी सड़क है व्यू अल्टीमेट, नहीं नहीं आपको कितनी घुमावदार सड़कें दिखाई दे रही हैं यहाँ से। अरे हमें इतनी तो सड़कें देखी है, हमें तो ये बहुत बड़ी लग रही है उसके आगे सर, वो भी है सर, देखो इधर भूस्खलन हो रखा है, नहीं वो बारिशों में पानी बह गया होगा ना, इतनी चौड़ी सड़क है, हमें क्यों नहीं दिखी थी, ये ऊपर से चमक रही है बस, दूसरा रास्ता क्योंकि हम मैगी खा शुक्र है देव ने ये नहीं कहा कि हम कोई नशा करके बैठे थे, हमने मैगी का नशा कर रखा, हम मैगी का नशा था, सर मैगी टेस्टी बनाई थी, मैगी उसने भी और मैगी इसने भी टेस्टी बनाई थी, हमने चर्च के सामने, मैंने भी खाई, ये थोड़ा स्पाइसी नहीं है, अरे मिर्च नहीं डालो, अरे उस वाले को मना किया था मैंने स्पाइसी को, इसको भी इसको मना नहीं किया था, मिर्च डाल दी अपने हिसाब से, अजीब सा हां से, इनफैक्ट यहां आज हमारे स्नैक्स में डिनर पे है सड्डू, बाहर से लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं मिलता, जो जैसे घर के अंदर बना हुआ मिलता ना वो पैसा से फिर वो वही वाला अच्छा होगा, घर चले किसी के, हाँ घर से कल पानी पीने जाते, कल पानी पीने घुस गए थे, निकल के आ गए नीचे तक, सही है, ये देखिए कहाँ से आ रहे हम, पर सर इसका टिकट सिंगल वे का 400 महंगा, और आने जाने का 700 रुपए है, तो वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 से भी सिंगल वे का बहुत महंगा है, सोचो ना अगर कोई अमीर है तो उसको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, उसको तो कन्वीनियंस चाहिए ना, नहीं देखो कन्वीनियंस तो है, देखो कन्वीनियंस तो है, डेली कर लेगा 7 के 21-20 हजार रुपए बैठने में, कन्वीनियंस तो है, समान है ये तो मानने वाली बात है, कन्वीनियंस है, आओ बेटे खत्म हो गया, इससे रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान कर दी उन्होंने, हाँ अगर मान, लेकिन बात वही है गरीब आदमी नहीं जा सकता मैडम अपने दुकान मुकान के लिए, उसके लिए 500,000 रुपए का तो उसका डेली की दिहाड़ी है, अप डाउन करो तो भीड़ इतनी मिलती है, नहीं अप डाउन के हिसाब से भी अगर कुछ सस्ता किया जाए तो अप डाउन के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, तो हाँ नहीं रखना है, टूरिस्ट ही बनाना है, मेट्रो बन जाएगी, मेट्रो ड्राइव बन जाएगी, तो ये थी हमारी ये रोपवे की राइड जिसको अभी हमने कंप्लीट किया है, और अब हम यहाँ से ऊपर मैक्लोडगंज से धर्मशाला आ गए, आप तो वापसी जा रहे हो ना, चलो आप वहाँ आओगे स्त्री आने, आपको वापसी जाना है ना, हाँ लेकिन वापसी जाने तो बाद में आ जाऊँगा, थोड़ी ऐसे कि अभी जाना है वापस, अच्छा टिकट है ना मेरे पास, ये तो बहुत अच्छी कह रहा हूँ अनुज, यहाँ तो मजा आ रहा है, यहाँ तो मजा आ रहा है, नहीं चल रही है इतनी हवा, अरे बहुत अच्छी है, अरे पंछी बन जाओ, इसमें वो नहीं है ना तूफान, नहीं ना पानी का वो नहीं लगा रहा ना, बारह थूकने वाला पंखा नहीं है, हाँ तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे धर्मशाला बस स्टैंड, जहाँ से हमें देखने जाना है धर्मशाला का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, 7 बजे तक, 7:15 तक कभी भी, अच्छा 7:15 तक कभी भी आ जाओ, ओके नंबर तो आपके पास है ना, किसका कलिम्पो, अरे वो शाम को दोबारा पूछ लेंगे यार, हाँ वो हम तो, हाँ वो तो वहाँ तो नहीं जा रहे ना, नहीं जाना है सर यार, वो तो वहाँ तो उसने कहा 3 घंटे चाहिए आपको घूमने के लिए, ना 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 इधर इधर ही है, तो यहाँ से हम जो है वो बाहर आ गए हैं हम, लेकिन यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है, इस तो ये ऊपर वाला रास्ता पकड़े वो सामने बस स्टैंड ही है, अच्छा सामने तो बस स्टैंड से बस पे आओ, इधर नीचे आओ और सीधा ऊपर मैक्लोडगंज पहुंच जाओ, ये सीन ये है, नहीं तो बना उसी हिसाब से रखा है, ये बना इसलिए रखा है कि भाई आपको वो जो एक पूरा घुमावदार रास्ता था धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक का वो बच जाएगा, भाई 13-15 किलोमीटर को 13-15 किलोमीटर है, नहीं वो जो घुमावदार रास्ता है वो, हाँ धर्मशाला से मैक्लोडगंज 13 किलोमीटर के आसपास है, वो बच जाता है आपका,
टाइम भी बचता है। तो यहाँ से अब मैक्लोडगंज से तो नीचे आ गए हैं धर्मशाला पे, और धर्मशाला के बस स्टैंड पे हैं, और इस बस स्टैंड से हम जो है अभी आगे बढ़ेंगे टैक्सी में, टैक्सी से स्टेडियम घुमाएंगे सर आपको, स्टेडियम घुमाएंगे फिर हम आपको। आपने टीवी पे देखा होगा बहुत ज़्यादा, अब आप यूट्यूब की वीडियो भी देख लो, सुंदर तो बहुत लगता है, टीवी में ही देखेंगे लेकिन बस यूट्यूब की वीडियो पे देखो आप, सुंदर तो बहुत लगता है। हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप हमारी आँखों से देखो अब, ठीक है। हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और यहां से आपका जो है वो हम स्टेयर्स के जो चढ़ रहे हैं, वो स्टेडियम इसी स्टेडियम की चढ़ रहे हैं, और ये स्टेडियम है। हाँ ये स्टेडियम, लगता है देखने में छोटा, लेकिन जब आप छक्का मारने की कोशिश करोगे ना रिलेटिवली, बाकी स्टेडियम बड़े हैं, ये है भी तो दिल्ली का सबसे छोटा है, दिल्ली का सबसे छोटा, वहाँ तो जगह ही नहीं है ना दिल्ली में, तो अभी आज बादल हैं तो बादलों की वजह से ना थोड़ा व्यू जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, हाँ, वरना ये सामने जो पहाड़ के व्यूज़ है ना ये बहुत अच्छे आते हैं, पर आज बादल है और ये बादल बरस भी सकता है, बरस जाए थोड़ा सा मज़ा आ जाए, बरस जाए तो लोग तो ऊपर तक गए हुए हैं, कैसे लोग वहाँ ऊपर तक कैसे गए हुए हैं, दूसरी साइड से गए होंगे तो, कोई और टिकट होता है क्या उनका, मतलब वो तो घर है, लोग इतने ऊपर कैसे गए हैं, यहीं से गए हैं, नहीं यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, वो दूसरे एंट्री पॉइंट से होंगे फिर, क्योंकि वो देखो ना वो उधर से आगे से है ना, ये एक गेट होगा दूसरा भी गेट होगा, अच्छा सही है, पर मुझे वहाँ से ज़्यादा व्यू मिल जाएगा ना, एक ही है सर कुछ नहीं है, हाँ वैसे तो एक ही है, एक ही है दिखने तो ये वाले पहाड़ी हैं, और थोड़ा सा स्टेडियम की घास दिखनी है, एरी हाँ सर एकदम आसन क्लीन है, चलो बढ़िया है, सुंदर स्टेडियम है।